गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। तो लास्ट क्लास में अपन बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कार्बोकेटायन। आज अपन नेक्स्ट इंटरमीडिएट पढ़ेंगे कार्ब एनायन। जिस तरीके से कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पर, उसी तरीके से कार्ब एनायन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंटरमीडिएट को जब अपन पढ़ते हैं तो ये पांच चीज़ें अपन को उसके बारे में पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी और उसकी रिएक्शंस। तो कार्बोकेटायन के बारे में सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो कार्बोकेटायन वे आयंस होते हैं जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, वे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिन पर कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही, जो नाभिक से स्नेह करते हैं यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, और जिन्हें पॉजिटिव चार्ज पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उस पर अटैक करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। तो कार्ब एनायन भी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि इन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये अटैक करते हैं। इन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, यानी कि यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल इसमें ज्योमेट्री पाई जाती है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक लोन पेयर होता है और तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स। तो कार्बोकेटायन की तरह ही ये भी तीन प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्ब एनायंस। 1 डिग्री कार्ब एनायन वे होते हैं जिसमें जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। 2 डिग्री कार्ब एनायन वे होते हैं जिसमें जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है वह कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से 3 डिग्री या फिर टर्शरी कार्बोनाइन भी होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन जो है वो तीन अन्य कार्बन से जो है वो जुड़ा होता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल है 3 डिग्री एमाइल कार्ब एनायन। ध्यान रखना, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एमाइल जो ग्रुप होता है उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। एक्टिव एमाइल ग्रुप क्या होता है, 5 कार्बन का ग्रुप होता, मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट है इसकी फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी और रिएक्शंस, तीन चीज़ें बची है। तो फॉर्मेशन के अंदर अपन देखते हैं कि कार्बन से फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे कार्बन से एक समूह हटाकर, जैसे अपने पास है R3C और एक्स साथ, यानी कि अपने पास एक एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड का अपन क्या करेंगे, मान लीजिए एक्स एल्किल हैलाइड है, वाई से अगर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक्स वाई बाहर निकल जाते हैं और एक्स जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर निकल जाता है और कार्बन पर क्या जो है वो नेगेटिव चार्ज रह जाता है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, ट्रिटिल क्लोराइड, यानी कि कार्बन पर 3 बेंजीन समूह जुड़े हुए हैं, साथ में एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सोडियम और मरकरी के प्रेजेंट में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन बाहर निकल जाता है और कार्बन पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक क्षार द्वारा प्रोटोन के हरण से, यानी कि कोई भी क्षार है अगर वो प्रोटोन को ले जाता है, H को H पॉजिटिव के रूप में निकाल लेता है तो कार्बन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज रह जाता है। जैसे देखिए अपने पास है एसिटाइल्डिहाइड CH3CHO, इसकी रिएक्शन कराई अपन ने NaOH के साथ, तो NaOH क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, CH3 ग्रुप के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है तो कार्बन पर क्या बच जाता है, एक नेगेटिव चार्ज बच जाता है और यह कार्ब एनायन की तरह व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है इनकी स्टेबिलिटी। अब इनकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व का अगर अपन क्रम देखें तो
ये बिल्कुल कार्बोकेटाइन से उलट होता है, कार्बोकेटाइन के बिल्कुल रिवर्स होता है। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थाई होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। इसी तरीके से इसमें जो है इसके स्थाई जो स्टेबिलिटी का क्रम देखें तो 1 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा स्थाई होता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद जो है आपके 3 डिग्री कार्ब एनायन। इसका कारण यह है कि कार्ब एनायन जो अपना इंटरमीडिएट है उस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उतना ही ज़्यादा कम स्थाई होगा। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके अंदर जब जैसे 3 डिग्री कार्ब एनायन है तो एक कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या होगा, 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होने से क्या होता है, उसके जो है CH3 ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा, इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, कार्बन को देगा, जिससे कि कार्बन पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा उसकी रिएक्टिविटी जो है वो, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्थायित्व के क्रम में, जैसे जैसे प्लस आई इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे प्लस एम प्रभाव इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्ब एनायन है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2 वाला और फिर sp वाला। ठीक है, तो sp3 संकरण के अंदर क्या है, 25% s करेक्टर हैं, sp2 के अंदर 33% s करेक्टर हैं, और sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 50% s करेक्टर हैं। नेक्स्ट आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। इसमें है CH3CO CH2 नेगेटिव, तो इसमें रेजोनेंस का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड जो हैं ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर या फिर एक एटम से दूसरे एटम पर। तो जैसे अपने पास है CH3CO CH2 नेगेटिव, तो अगर इसमें CH2 नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों कार्बन के बीच में क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से ऑक्सीजन कार्बन के साथ बनाए हुए बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये इस तरीके से रेजोनेंस होता है। नेक्स्ट है बेसिसिटी। बेसिसिटी के अंदर है कि अपने पास है मिथिल एसिटिलीन CH CH3, जिसमें से कि अगर हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये कार्ब एनायन बनता है। उसके बाद है बेंजीन, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है H पॉजिटिव के रूप में और वो क्या बन गई है, एक तरीके की कार्ब एनायन। इसी तरीके से कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो इनकी बेसिसिटी का क्रम क्या होता है, इस तरीके से दिया गया है, एसिटिलीन जो है वो सबसे कम बेसिक होगी, उसके बाद बेंजीन ग्रुप और उसके बाद कोई भी अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है रिएक्शंस। दो तरीके की रिएक्शंस है जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कार्बेनाइन बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन से संयोग, इनकी रिएक्शंस, ये तो वो तो फॉर्मेशन में था कि अपन कार्बेनाइन किस तरीके से बनाएंगे, जो कि ऊपरी ऊपर रिएक्शन दी हुई है आपको। अब ये जो रिएक्शंस है ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनते हैं और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो उसमें है RCOO नेगेटिव, तो इसमें से अगर CO2 निकल जाता है तो R नेगेटिव एक कार्ब एनायन मिलता है अपन को, और ये H पॉजिटिव से क्रिया करके एल्केन बनाता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, इसमें है ये दो एल्डिहाइड की कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि संघनन अभिक्रिया, जिसमें दो एल्डिहाइड मिलकर क्या कर रहे हैं, आगे कंपाउंड प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट आता है कार्बिन। कार्बिन होता है कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होता है। कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है CH2 और साथ में एक लोन पेयर, तो कार्बन पर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि
चार इलेक्ट्रॉन तो क्या है कार्बन पर, कार्बन हाइड्रोजन दो बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, साथ में एक लॉन पेयर पाया जाता है। तो ये किस तरीके का होता है, ये उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल स्पीशीज होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसमें भी अष्टक जो है वो पूर्ण नहीं होता, षष्टक पाया जाता है, ठीक है, इसमें ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं होता। टाइप्स है इसके सिंगलेट, टाइप्स है इसके सिंगलेट और ट्रिपलेट, दो टाइप की जो है वो कार्बिन पाई जाती है, सिंगलेट यानी एकक, ट्रिपलेट यानी कि त्रिक कार्बिन पाई जाती है। सिंगलेट कार्बिन जो है इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है जिससे कि इसकी कोणीय संरचना होती है, और ट्रिपलेट जो कार्बिन है इस पर sp संकरण पाया जाता है और इसकी इस तरीके से जैसे कि डायग्राम में दिखाई गई है लीनियर स्ट्रक्चर होती है। फिर आता है इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, तापीय अपघटन या प्रकाशीय अपघटन द्वारा किया जाता है, थर्मल डिग्रेडेशन या लाइट डिग्रेडेशन द्वारा किया जाता है, जैसे अपने पास है डाई एजो मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, बीच वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और लास्ट वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। अब अगर इसे गर्म किया जाता है या फिर सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में बाहर निकल जाती है और CH2 के साथ क्या है एक लॉन पे रह जाता है, यानी कि अपने पास कार्बिन बनती है। नेक्स्ट है जैसे अपने पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3+OH-, ये क्या करती है CCl2 कार्बिन के रूप में बाहर निकलता है और क्लोरीन और क्लोराइड आयन और वाटर अपन को मिलता है। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन, कार्बिन की अपने पास मेन चार रिएक्शंस दी गई है। पहला है साइक्लोएडिशन रिएक्शन जिसके अंदर होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इंसर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कोई भी अपन ने एल्किनली साथ में यदि अपन ने उसकी कार्बिन से रिएक्शन कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है और साइक्लिक बॉन्ड बनाता है, जिसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है साइक्लो एडिशन, एडिशन रिएक्शन हो रही है यानी कि कार्बिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ऐड हो रहा है और साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है, तो क्या बोलते हैं इसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इंसर्शन यानी कि सिग्मा बॉन्ड में समावेश, पहला तो था साइक्लो एडिशन में क्या था डबल बॉन्ड में इंसर्शन था और अब क्या है सिंगल बॉन्ड में समावेश। तो अपने पास कोई भी एल्केन है R CH2 CH3+, इसके साथ अगर अपन कार्बिन की रिएक्शन कराते हैं तो अपन को एक कार्बन ज़्यादा वाला क्या मिलता है प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि आइसोमेरिज्म भी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है रायमन-टीमन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के नाम से भी कई बार पूछ ली जाती है, इसकी मैकेनिज्म भी पूछ ली जाती है कई बार। रायमन-टीमन रिएक्शन है, फिनॉल है अपने पास यानी कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, साथ में अपन ने लिया है क्लोरोफॉर्म और 3KOH। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कार्बिन इंटरमीडिएट पाया जाता है, तो रायमन-टीमन अभिक्रिया है जिसमें कि कार्बिन इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ अपन ने लिया है फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद अपन को प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिडिहाइड प्लस 3KCl+ वाटर, इसकी मैकेनिज्म अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट है हाफ मॉन रिएक्शन या फिर कार्बिलेमिन रिएक्शन, ये होती है एमिन को अपन आइसोसाइनाइड के अंदर चेंज करते हैं, यानी अपने पास 1 डिग्री एमीन है RNH2, इसकी रिएक्शन करें क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, जहाँ भी क्लोरोफॉर्म और KOH है वहाँ पर कार्बन इंटरमीडिएट बनता है 99% केसेस में। तो अपन ने यहाँ हाफमन रिएक्शन या फिर कार्बिलेमिन रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या लिया है एमीन 1 डिग्री एमीन RNH2, साथ में लिया है अपन ने क्लोरोफॉर्म और KOH, अपन को रिएक्शन के बाद अपन को मिलता है एल्किल आइसोसाइनाइड यानी कि RNC+KCl और 3H2O। तो ये थे अपने दो इंटरमीडिएट कार्ब एनायन और कार्बिन जिसमें अपन ने देखे इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स, इनकी फॉर्मेशन की विधियाँ कौन कौन सी होती है और इनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है और इनकी रिएक्शंस जो है किस किस तरीके से ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अपना बचा है मुक्त मूलक और बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।